फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं बेबी प्लानिंग करने के लिए, खास करके ओवुलेशन डेज में, ऐसे में आपको ये उम्मीद जानने की ज़रूर होती है कि ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी रुकी होगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखते हैं लेकिन बाद में पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक साइंटिफिक एक तरीका, ऐसा ऑथेंटिक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। कोई भी लक्षण आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ घर पर एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके आप ये जान पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और तो और, आप ये भी जान पाएंगे कि किस दिन आपका ओवुलेशन हुआ है, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि जब ओवुलेशन के टाइम आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपको इवन ये भी नहीं पता होता है कि आपका ओवुलेशन उस दिन हुआ है या नहीं। लेकिन आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं बिना स्किप किए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आप पूरे मंथ भी रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपको ये इंतज़ार हमेशा रहता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी। जैसे ही आपकी पीरियड डेट पास आती है तो इससे रिलेटेड जो सवाल हैं आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करके 100% साइंटिफिकली ये कंफर्म हो जाता है कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले, अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो स्पोर्ट दक्ष चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड डेट से पहले बहुत क्यूरियोसिटी होती है महिलाओं को कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, वो भी पीरियड से पहले। जी हाँ, आप पीरियड मिस होने से पहले ही ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। जब आप रात को सोती हैं तो अपने पास क्या करें कि आप एक डिजिटल थर्मामीटर और एक डायरी अपने पास रख लें और पेन अपने पास रख लें। अब ये थर्मामीटर का नाम सुन के आप वीडियो मत स्किप कर लेना, यही थर्मामीटर आपके ओवुलेशन के बारे में बताएगा और यही थर्मामीटर आपके इम्प्लांटेशन के बारे में बताएगा। और आपको करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले बेड पर ही, बिना बेड से उठे हुए बेड पर ही आपको बॉडी टेम्परेचर अपना चेक करना है। इसे बेजल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, जो कि रेस्ट में चेक किया जाता है। इसे आपको डेली नोट करना है। ये आपके ओवुलेशन के बारे में भी बताएगा और ये भी बताएगा कि आपके गर्भ में इम्प्लांटेशन हुआ है या फिर नहीं। फ्रेंड, जैसे ही महिला को ओवुलेशन होने वाला होता है, एग महिला के शरीर से जो है वो रिलीज होने वाला होता है ओवुलेशन पीरियड के, ऐसा क्या होता है, ओवुलेशन पीरियड के बीच के दिनों में होता है, पीरियड के 12वें दिन के बाद से 18वें या पीरियड के 20वें दिन के बीच में, पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 18वें या फिर 20वें दिन के बीच में ओवुलेशन या फिर फर्टाइल डे जो है होते हैं। तो टेम्परेचर जब आप नोट कर रही होंगी तो जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा तो बाकी के दिनों के मुकाबले ओवुलेशन डे वाले दिन, एक दिन पहले, ओवुलेशन के एक दिन पहले आपकी बॉडी टेम्परेचर में गिरावट आती है। लाइक अगर आपका टेम्परेचर, आप जो नोट कर रही हैं, अभी तक आपका टेम्परेचर 98.5 था या फिर 98.6 था, लेकिन पीरियड के बीच के दिनों में आप जब चेक करेंगी तो आपके पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 18th डे के, इन दिनों के बीच में कभी भी, जब भी आपका ओवुलेशन होने वाला होगा तो आप देखेंगे कि आपके टेम्परेचर में गिरावट आई है, आपका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है। तो ये आधा डिग्री या फिर एक डिग्री तक जो है वो कम हो सकता है, आपका टेम्परेचर 98 या फिर 97 में पहुंच सकता है। मतलब हल्की सी टेम्परेचर में गिरावट आए तो ये बिल्कुल साइंटिफिक और ऑथेंटिक साइन होता है कि आपके अंदर ओवुलेशन हुआ है। आप बाकी सब छोड़ दें, लक्षण देखना छोड़ दें, ओवुलेशन टेस्ट किट का भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट करें। जब टेम्परेचर में गिरावट आए पीरियड के बीच के दिनों में तो रिलेशन मेंटेन करना स्टार्ट करें, समझ जाएं कि आपके अंदर ओवुलेशन होने वाला है या फिर एग जो है वो रिलीज हो चुका है। अब बात करते हैं, जब ओवुलेशन के टाइम आपने रिलेशन मेंटेन किया, एग ओवुलेशन के समय जब जो है एग रिलीज हुआ, उसके बाद जो है क्या होता है कि आपके अंदर टेम्परेचर राइज हो जाता है। आपने ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन कर दिया, अब आपको ये इंतज़ार है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो आप रेगुलर टेम्परेचर का चेक कर रही होंगी तो आप देखेंगे कि ओवुलेशन के बाद जो एक दिन की, एक दो दिन की गिरावट आई थी, उसके बाद टेम्परेचर फिर से राइज हो जाता है, जो कि 6 से 7 दिन तक टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। जो ये आधा और एक डिग्री जो कम था ओवुलेशन के टाइम, अब वो फिर से मेंटेन हो जाता है पहले की तरह, ठीक है। और अगर टेम्परेचर में आधी या एक डिग्री की गिरावट फिर से आती है ओवुलेशन के 6 से 7 दिन के बाद, अगर फिर से आपको फिर से एक गिरावट दिखती है आधे या एक डिग्री की, जो सिर्फ एक दिन के लिए आती है, तो फिर ये टेम्परेचर अगेन
उसके बाद राइज हो जाता है, ओवुलेशन के बाद जो था वैसा ही फिर से राइज हो जाता है। तो ये टेम्परेचर में गिरावट जो आधे या एक डिग्री की गिरावट जो आई है ओवुलेशन के 6 से 7 दिन बाद, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अपनी चार्टिंग में जो आपने डेली नोट किया है तो यही गिरावट आपको साइंटिफिक बताती है, ऑथेंटिक तरीके से बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके गर्भ में इम्प्लांटेशन हो चुका है। फ्रेंड्स, ये इम्प्लांटेशन की वजह से जो टेम्परेचर में डिप आया है ये बॉडी में हार्मोन में चेंजेस होने के कारण होता है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर में अफेक्ट होता है, ये एक मेन सिम्टम होता है। इसलिए आज से आप महीने के सभी दिनों में अपने मॉर्निंग का टेम्परेचर नोट करना शुरू कर दें और उसे नोट कर दें कि कितना टेम्परेचर है, और अगर पीरियड के बीच के दिनों में टेम्परेचर में गिरावट आती है तो आप समझ जाएं कि इन दिनों में आपका ओवुलेशन हुआ है, और फिर उसी ओवुलेशन के बाद आप याद रखें कि आपका 6 से 7 दिन तक जो टेम्परेचर है फिर से मेंटेन हो जाएगा, फिर से राइज हो जाएगा, जो गिरावट आई है वो वापस से कवर हो जाएगी, ठीक है। और फिर 6 से 7 दिन के बाद अगर फिर से गिरावट आती है, अगर टेम्परेचर जो राइज था वो फिर से आधे या एक डिग्री तक एक दिन के लिए गिरावट आती है, तो आप समझ जाएं कि आपके गर्भ में जो है जो ओवुलेशन हुआ है, तो जो एग रिलीज हुआ है उससे अब स्पर्म मिल चुका है, और स्पर्म मिलने के बाद जब एग फर्टिलाइज हो चुका है तो एग फर्टिलाइज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में से निकल कर यूट्रस में जो है एग पहुँच कर वहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है। इससे आप कन्फर्म पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तभी ये टेम्परेचर में गिरावट आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।